हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस मतलब कि 26 जनवरी पर भाषण। तो चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। शहीदों का सपना जब सच हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ, देश तब आजाद हुआ। आओ सलाम करें उन महान वीरों को, आओ सलाम करें उन महान वीरों को, जिनकी शहादत से हमारा देश गणतंत्र हुआ। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र देश घोषित किया गया था और स्वतंत्रता के लंबे संघर्ष के बाद भारत का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र का मतलब है कि देश के लोगों को देश के विकास के लिए अपने राजनीतिक नेताओं का चुनाव करने का अधिकार है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हमारे संविधान का निर्माण करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विशेष योगदान है। हमने एक देश के रूप में बहुत सारे आर्थिक सुधार और सफलताएं देखी हैं और हमारा देश एक ताकतवर देशों में गिना जाता है। विकास के साथ साथ कुछ कमियां भी पैदा हुई हैं जो हमारे देश को पूरी तरह से विकसित होने में बाधा डाल रही हैं। आइए आज हम सभी मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि हम अपने देश के संविधान की सुरक्षा करेंगे, देश की शांति को बनाए रखेंगे और साथ ही देश के विकास में सहयोग करेंगे और हमारे भारत देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको यह रिपब्लिक डे की हिंदी स्पीच बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।